लेटेस्ट अपडेट्स के लिए जुड़े रहें हमसे, सब्सक्राइब करें और सारी अपडेट अपने मोबाइल पर पाने के लिए ये बेल का बटन जरूर प्रेस करें। नमस्कार, मैं ममता सवी, इंडिया लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के कुछ प्रमुख समाचारों पर। शुभम बिल्डर्स एंड डेवलपर्स नवी मुंबई की तरफ से मुफ्त कोरोना टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया, जहां कई संख्या में लोगों ने अपना पंजीकरण कराकर मुफ्त कोरोना टीकाकरण करवाया। कोरोना वायरस महामारी से बचने के लिए हर दिन सरकारी व गैर सरकारी स्तर पर मुंबई व आसपास के क्षेत्र में टीकाकरण कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। इसी कड़ी में 28 जुलाई व 29 जुलाई को नवी मुंबई स्थित तलोजा में शुभम बिल्डर्स एंड डेवलपर्स नवी मुंबई की ओर से कोरोना टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया। नमस्कार, माझं नाव गुरुनाथ बालाराम पाटील, सीईओ शुभम बिल्डर नवी मुंबई। जनसेवा हीच खरी ईश्वर सेवा, ह्या अनुषंगाने आम्ही जो वॅक्सिनचा कार्यक्रम चालू केलेला आहे, साधारण 28 तारखेला म्हणजे काल आणि आज 29, तर काल जो वॅक्सिनचा कार्यक्रम आम्ही केला तो साधारण 300 वॅक्सिन कंप्लीट आम्ही केलेले आहे। हे करत असताना आज दुसरा दिवस आहे। आजही आमचा ऍक्च्युअली टार्गेट 500 वॅक्सिनचा होता, पण लोकांचा क्राऊड, लोकांची एक रिस्पॉन्स हे बघितल्यानंतर आणखी डोस वाढवण्याचा आम्ही विचार केला। आज सुद्धा 300 वॅक्सिन देण्याचा कार्यक्रम आम्ही राबवत आहोत। हे कार्यक्रम करण्याचं कारण किंवा उद्दिष्ट एक फक्त आमचा असंच होता की मीडियाच्या माध्यमातून आम्ही जे इकडे पाहत होतो की एक वयोवृद्ध लोक ज्या वॅक्सिन कॅम्पवर जातात आणि ते गेल्यानंतर साधारण वॅक्सिनचा एक टायमिंग ठरलेला असतो, तर ह्या गोष्टीचा आम्ही एक मीडियाच्या माध्यमातून काय विचार केला की वयोवृद्ध लोकांसाठी खास करून आम्ही वॅक्सिनचा विचार केला की वयोवृद्ध माणूस वॅक्सिनला जातो, गेल्यानंतर त्याचा नंबर जेव्हा येतो त्या वेळेस एकतर वॅक्सिन संपलेले असते, अदरवाईज टायमिंग संपलेला असतो। असं माझ्या पर्सनली लाईफमध्ये मी 5-6 लोकांचा एक इंटरव्ह्यू नाही बोलता येणार, पण एक चालता बोलता माझा एक संबंध आला आणि तो संबंध आल्यानंतर मला कुठेतरी वाटलं, म्हणजे प्रयत्न केला आणि तो प्रयत्न सक्सेसफुल झाला असा मला वाटतो सुद्धा, कारण लोकांचा खूप प्रतिसाद आहे। अशी सेवा म्हणजे शुभम बिल्डरकडनं घडावी असा मी सातत्याने प्रयत्न करीन, किंवा मला असं काम करण्यासाठी खूप म्हणजे आनंदही वाटेल। मी माझ्या टीम बरोबर बोललो आणि माझ्या टीमनेही खूप रिस्पॉन्स दिला, टीमनेही खूप साथ दिली आणि टीम माझी जोमाने काम करते। मी दिलीप बालाराम पाटील, मॅनेजिंग डायरेक्टर शुभम बिल्डर्स नवी मुंबई। जनसेवा हीच ईश्वर सेवा, या अनुषंगाने आजची ही परिस्थिती आहे समाजामध्ये कोविडची, त्या अनुसार आम्ही लसीकरणाची मोहीम हाती घेतली होती। 400 वॅक्सिनचं टार्गेट ठेवलं होतं, पण समाजाची गरज आणि रिस्पॉन्स पाहता आज आम्ही पुन्हा 200 वॅक्सिन्स वाढवलेले आहेत। तरी शुभम बिल्डरच्या माध्यमातून 28 जुलै आणि 29 जुलै या 2 दिवसांमध्ये 600 वॅक्सिनचं लसीकरण आम्ही पूर्ण करत आहोत। हे करताना शुभम बिल्डरच्या पूर्ण टीमला आणि शुभम बिल्डरला खूप आनंद होत आहे। आम्ही समाजाचं काहीतरी द्यायला लागत होतो, त्या अनुषंगाने कोविड-19 लसीकरण मोहीम आम्ही पूर्ण करत आहोत। धन्यवाद। नमस्कार, मी गजानन गोमा पाटील, शुभम बिल्डर अँड डेव्हलपरचे मॅनेजिंग डायरेक्टर। आम्ही आता वॅक्सिनचा कॅम्प लावलेला आहे। काल साधारणतः 300 लोकांना आम्ही वॅक्सिन दिली, आज परत 300 लोकांचा क्राऊड बघता आम्ही वाढवला आहे। आणि जनसेवा हीच ईश्वर सेवा, खेडेगावात लोकांना हल्लीच्या काळात वॅक्सिन मिळत नाही, म्हणून आम्ही वॅक्सिन देण्याचा प्रयत्न करत आहोत। गावातल्या लोकांना वॅक्सिन मिळत नाही आणि मी बघतो गर्दी शहरात आणि 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 तास लोकांना लाईन उभा राहतो। नंबर आला की लोकांना म्हणतात आज भेटणार नाही उद्या या, म्हणून आमची ग्रुप कंपनीने शुभम बिल्डरने असं ठरवलं मॅनेजिंग डायरेक्टर लोकांनी की आपण वॅक्सिनचा प्रयत्न करू, आणि सर्व ग्रुपने आम्हाला सहकार्य केले आणि लोकांनी भरपूर सहकार्य केले। धन्यवाद। मेरा नाम किरण पवार है, मैं शुभम बिल्डर्स नवी मुंबई का सेल्स एंड मार्केटिंग का डायरेक्टर ही हूँ। मराठी में कहावत है जनसेवा हीच करी ईश्वर सेवा, इसी को अनुसरण हमारी कंपनी और ग्रुप ने सोचा कि आज जो पिछले 1.5 साल में जो हमारे भारत देश और वर्ल्ड में जो चल रहा है कोरोना का महामारी,
उसी को लेके आज देख रहे हैं कि काफी सारी प्रॉब्लम्स और फेस करना पड़ रही है समाज को, लेकिन उसका एक ही जीने का और आगे बढ़ने का तरीका है कि अपने को कोविड वैक्सीन लेना है। उसी को नजर में रखते हुए शुभम बिल्डर्स नवी मुंबई ने सोचा कि हम लोग क्यों ना एक छोटा सा प्रयत्न करेंगे हमारे समाज के लिए, जो आज की डेट में इजीली वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो रहा है मार्केट में, और वो भी रहा है तो उसके लिए पेड है, और पेड करने के बावजूद भी वो उनको नहीं मिल पा रहा है, लोग पहुंच नहीं पा रहे उससे। तो हमने सोचा क्यों ना हम लोग छोटा सा प्रयत्न करेंगे। ये कार्य तो हमारे लिए सक्सेस हुआ, आगे भी जैसी जैसी समाज को कभी जरूरत पड़ती है, नीड होगी, उस हिसाब से शुभम बिल्डर हमेशा एक छोटा सा प्रयत्न के लिए खड़ा रहेगा समाज के पीछे। पटवर्धन हॉस्पिटल पनवेल है जिनका मेडिकल स्टाफ हमको पिछला 2 दिन से सपोर्ट कर रहा है, और महानगर पालिका भी 2 दिन से आ रही है, तलोजा पुलिस स्टेशन है उनके भी कर्मचारी आके हमको सपोर्ट कर रहा है, और जो ट्रैफिक है बाहर का कंट्रोल करने के लिए वो भी तलोजा ट्रैफिक हमारा अच्छी तरह से हैंडल कर रहा है। मतलब गवर्नमेंट की तरफ से अच्छा खासा सपोर्ट मिला है, पुलिस से सपोर्ट मिला है, मेडिकल से सपोर्ट मिला है, और कॉर्पोरेशन से भी सपोर्ट अच्छा खासा मिला है। जिन्होंने हमारे पास पिछले 8 दिन में रजिस्ट्रेशन किया है उन्हीं को हम लोगों ने टोकन दिया है, उस टोकन के हिसाब से 1 by 1 हम लोग वैक्सीन लगा रहे, जिसमें 18 साल से लेके 65-70 ईयर के भी लोग हैं जिनको हम लोगों ने वैक्सीन लगा दिया है, जहां पर सैकड़ों लोगों को कोरोना के टीके दिए गए। बता दें कि देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के दौरान अब दैनिक मामले कम आने लगे। पिछले कई दिनों से कोरोना के दैनिक मामले 50,000 से नीचे आ रहे हैं। हालांकि कोरोना की तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए एहतियात बरतना सभी की जिम्मेदारी है, इसलिए कोरोना के खिलाफ जंग को तेज करने के लिए वैक्सीनेशन पर ध्यान दिया जा रहा है। नवी मुंबई से मुमताज जवेरी की रिपोर्ट, इंडिया लाइव न्यूज मुंबई। इंडिया लाइव न्यूज में खबरों का सफरनामा करते हैं समाप्त, मुमताज जवेरी को दीजिए इजाजत, लेकिन आपसे चलते चलते गुजारिश विनती है, अगर आपके इलाके में कोई घटना घटित हुई है या आपके पास कोई समस्या है तो स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं इंडिया लाइव न्यूज चैनल @gmail.com पर, या आप हमारी वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं www.indialivenews.co.in पर। नमस्कार।